हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह। डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्व ट्रेसिंग एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस क्वेश्चन को मैंने सब्जेक्टिव भी किया है और आज मैं उस पर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं। तो प्लीज़ आप इससे पहले सब्जेक्टिव देखें और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों की दे दूंगा और इसकी अलग से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको कोई परेशानी न हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। द नंबर ऑफ लूप इन द कर्व ये दे रखा है आर इक्वल ए साइन 7 थीटा। यहां नंबर ऑफ लूप एन इक्वल ऑड है। जब ऑड होता है तो जितने नंबर होते हैं लूप उतनी ही होती है, अर्थात इसकी लूप 7 होगी। ये पार्ट सही है। यहां ऐसे भी लिखा होता ए कॉस 3 थीटा तो इसकी लूप भी 3 ही होती। आप समझ गए, या कि अगर यहां n इक्वल ऑड है तो जितने नंबर होते हैं बशर्ते ऑड हो उतनी ही लूप बनती है, ठीक है। इसका मतलब इसका ए पार्ट सही है। क्लियर समझ में आ गया, इस साल पेपर में आ रहा है। आइए नंबर ऑफ लूप इन द कर्व ऑफ r इक्वल दे रखा है a cos 4 थीटा। यहां इवन है। जब n इक्वल इवन हो लूप ऐसे होती है R इक्वल ए कॉस एन थीटा, एन इक्वल ऑड हो तो लूप कितनी बनेंगी n, n इक्वल इवन हो तो लूप बनेंगी 2n। तो यहां कितनी लूप बनेंगी 2n जब इवन हो। तो यहां कितना है 4 है, इसका मतलब लूप 8 बनेंगी। अब आप क्लियर समझ गए, अगर यहां 2 होता तो लूप 4 बनती। तो यहां कितना है 4, तो इसकी लूप बनेंगी 8। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ डेस्कार्ड इज गिवन वाई। जैसे आपने पढ़ी है सर्किल की इक्वेशन, उसे आप हाई स्कूल से 9th से पढ़ने आए हैं तो आपको पता है वो सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसे ही पैराबोला की होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एलिप्स की होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी प्रकार होती हैं, जैसे एस्ट्रॉयड की है, कॉर्डियोड की है, लूप की है और फॉलियम डेस्कार्ड की है। तो फॉलियम डेस्कार्ड की इक्वेशन होती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3ax y। कभी भूलेंगे तो नहीं। तो कौन सी है इसमें, ये नहीं है सही, बी इज द राइट आंसर। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3ax y। अब भूलेंगे तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द कर्व y इक्वल 10x दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा इसमें गलत है ये चेक करना है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, पहला ही गलत है। कर्व x एक्सिस की सिमेट्रिकल कब होती है, जब कर्व में केवल y की पावर इवन हो। जैसे मैंने ये कहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सबको पता है ये पैराबोला है और इसकी कर्व कैसी बनती है, ऐसी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के दोनों ओर सेम है तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। लेकिन यहां तो वाई की पावर ऑड है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। यही इसका पार्ट गलत है क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नहीं हो सकता। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ लूप इन द कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, अर्थात आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, एन बराबर 2। लूप बनेंगी कितनी इवन पर, दूनी बनेंगी। तो यह लूप है गई 4, किसके बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर 2। जब यहां आर स्क्वायर है, इवन है, तो लूप 4 बनेंगी। आर स्क्वायर इक्वल 4 तो आर इक्वल 2, तो इसका बी पार्ट सही है। आइए द कर्व ये दे रखा है आर इक्वल ए प्लस बी कॉस थीटा, इसे हम कॉर्डियोड कहते हैं। आइए इसकी फिगर बता के समझाऊंगा कि ये सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन के कैसे है। ये दे रखा है R इक्वल ए प्लस बी कॉस थीटा, इसे हम कॉर्डियोड कहते हैं और इसकी फिगर लगभग ऐसी बनती है। यहां थीटा इक्वल 0 से लेकर पाई, ये जो लाइन कहलाएगी ये इनिशियल लाइन है। कैसी है, इनिशियल लाइन।
और इनिशियल लाइन के जैसे इधर बनेगा ऐसे ही सेम इधर बन रहा है, तो ये कहलाएगा अबाउट सिमेट्रिकल इनिशियल लाइन। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसमें थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रखा जाए और कर्व पर कोई चेंज ना आए, तो ऐसी कर्व किसमें बनती है, इनिशियल लाइन के सिमेट्रिकल, थीटा की जगह पर माइनस थीटा रखा जाए। जैसे अगर मैं यहाँ माइनस रखता हूँ ए प्लस बी कॉस माइनस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा ही आ गया। अगर थीटा की जगह पर माइनस थीटा रख दें और कर्व चेंज न हो ज्यों की त्यों लौट के आए, तो ऐसी कर्व 100% सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन की होंगी, और वो कर्व कौन सी होंगी, जो कॉस में होंगी, ये भी सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन के बनेगी। लेकिन साइन वाली ये भी बनेगी सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, लेकिन ये नहीं बनेगी, इसमें थीटा की जगह पर माइनस थीटा रखें तो माइनस बाहर आ जाता है। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, आर इक्वल ए प्लस बी कॉस थीटा इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, क्योंकि थीटा की जगह पर माइनस थीटा रखने से कर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए, ये दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू इज सिमेट्रिकल अबाउट, अभी बताया था क्वेश्चन के अगर कर्व में वाई की पावर इवन हो केवल, तो वो सिमेट्रिकल बनता है अबाउट एक्स एक्सिस के, जैसे अभी पैराबोला बताया था। तो ये इक्वेशन भी पैराबोला की है, लेकिन इसका नाम है क्यूबिकल पैराबोला, ये भी सिमेट्रिकल होगी अबाउट एक्स एक्सिस के, क्यों, क्योंकि इसकी पावर इवन है। इसका भी ए पार्ट सही है। द सिसोइड इज गिवन बाय द इक्वेशन, देखिए जैसे यहां आया था फॉलियम ऑफ डेस्कार्ट की कौन सी इक्वेशन है, ऐसे ही सिसोइड की इक्वेशन होती है। आइए, सिसोइड की इक्वेशन ये सही है, ये सही है, या ये तो फॉलियम वाले की है ऊपर वाली, ये गलत है, ये इसकी सही है। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन ए माइनस एक्स, या अंदर ले जाएंगे एक्स क्यू अपॉन ए माइनस एक्स। अगर मैं यहां x इक्वल टू ए रखूं तो y इक्वल प्लस माइनस इन्फिनेटी बनता है, तो ऐसी कर्व सिसोइड कहलाती हैं। क्लियर, तो ये सिसोइड की इक्वेशन है गई। ये इक्वेशन दे रखी है इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ एक्सिस के नन। हमने यहां क्या देखा, इस कर्व में एक्स की पावर इवन है और वाई की पावर भी इवन है, इसका मतलब ये बोथ एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगी। कैसे, ये लिख रहा है आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की डिवाइड कर देते हैं, तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब आपको मालूम पड़ गया होगा ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की, और इलिप्स कैसे बनती है, ऐसे सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। तो ये लेक्चर आज का कैसा रहा, प्लीज कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। यदि आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, जैसे कर्व ट्रेसिंग है, तो आप लिखेंगे कर्व ट्रेसिंग बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर निकल के आ जाता है।